मैं डॉक्टर प्रेमानंद स्मृति में सहायक प्रोफेसर कृतनायन कामाख्या सरस्वती महाविद्यालय महाजीर मधुबनी छात्रों, आज की तारीख में 27 2020 ईस्वी को शासित खंड में भाषा विज्ञान विषय है भाषा और बोली में अंतर। हमने देखा है कि शिक्षा संस्कार पालन पोषण व्यवसाय सामाजिक स्थिति वातावरण जाति के भेद से व्यक्ति की भाषा का निर्धारण होता है और एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न हो जाती है। इसीलिए यदि सूक्ष्मता से विचार करें तो प्रत्येक व्यक्ति की भाषा स्वतंत्र बोली मानी जाएगी, अर्थात उसकी अपनी विशेषताएं होगी जो दूसरे से भिन्न होगी, किंतु एक व्यक्ति की भाषा सदा एक रूप नहीं होती। विभिन्न परिस्थितियों में उसकी भाषा विभिन्न रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए परिवार में बोलते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी की अपरिचित लोगों से मिलते समय नहीं, जिस रूप में नौकर या दुकानदार से बातें करते हैं उसी रूप में मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं, कार्यालय में बोलने का ढंग दूसरा होता तो सार्वजनिक भाषण में दूसरा, लिखते समय वैसे ही भाषा का प्रयोग नहीं करता, लिखते समय उसकी भाषा कुछ कृत्रिम और गंभीर बन जाती है। किंतु जहां भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि भेद की इतनी संभावनाएं वर्तमान है वही सामाजिक दृष्टि उसका नियंत्रण भी अपेक्षित है। अगर भेद पर कोई नियंत्रण न रखा जाए तो भाषा का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, अर्थात वह सामाजिक संप्रेषण की बस न होकर निरर्थक उत्पन्न मात्र बनकर रह जाएगी। भाषा में व्यक्ति और समाज की क्रिया प्रतिक्रिया सदा चलती रहती है। व्यक्ति सदा स्वतंत्रता का आग्रही होता है, वह अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार सारे काम करना चाहता है, किंतु दूसरी ओर उसे समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह बात हमारे प्रत्येक दैनिक व्यवहार में देखी जा सकती है। समाज में हम वैसा कोई काम नहीं करते जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय न हो। सामाजिक शिष्टाचार का पालन नहीं करने वाला अभद्र समझा जाता है और समाज में निंदा का पात्र बनता है। सामाजिक दृष्टि यह बहुत बड़ा दंड है। सामाजिकता की जो भावना खान पान रहन सहन बोलचाल उठने बैठने मिलते जुलते आदि में काम करती है वही भाषा में भी। व्यक्ति भाषा में भी स्वाधीनता चाहता है पर स्वाधीनता एक सीमा तक की स्वभाव है जिससे पार कर जाने पर उसकी भाषा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बन जाएगी। यदि कोई चाहे जैसा चाहे बोलना शुरू कर दे तो दूसरे उसे नहीं समझ सकेंगे। थोड़ी बहुत वैयक्तिक स्वाधीनता का
अवकाश भाषा में सदा रहता है। इस तरह से देखा गया है कि स्वाधीनता और समाज की जिससे नियंत्रण, ये दो बातें मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप में वर्तमान रहती हैं और उन दोनों के घात प्रतिघात से ही समाज का विकास होता है। भाषा में इन दोनों प्रवृत्तियों को केंद्रावगामी और केंद्राभिभागामी कह सकते हैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति केंद्रावगामी होती और समाज की केंद्राभिगामी। व्यक्ति अपने रूप तथा शक्ति के अनुसार भाषा को अपने ढंग से व्यवहार करना चाहता है। व्यक्ति की भाषण भंगी विभाषा या बोली को प्रोत्साहित करती है तो सामाजिकता की भावना भाषा को तो प्रिय छात्रों, आज का विषय है भाषा बोली में अंतर। व्याकरण विभाग व्याकरण छात्रों के लिए है। भाषा और बोली के इस सैद्धांतिक भेद को स्वीकार कर देने पर उनके बीच स्पष्ट सामाजिक रेखा खींचना बहुत कठिन है। वस्तुतः वे केवल नाम है जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि भाषा और विभाषा बोली व्यवहारिक से अधिक सैद्धांतिक नाम है। जब बोली ही किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तो भाषा कहलाने लगती है। इसीलिए भाषा और बोली का अंतर प्रकार का नहीं केवल मात्रा का है। कब कली फूल बन जाती है, कब शैशव योजन में परिणत हो जाया करती है, यह कहना कठिन है। तो भाषा और बोली की कुछ प्रमुख विधत्वक निम्न प्रकार से है। जैसे पहला, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित, अर्थात भाषा का व्यवहार अधिक दूर तक होता है और बोली का अपेक्षाकृत कम दूर तक। अतः कहा जा सकता है कि एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां होती है किंतु एक बोली के क्षेत्र में अनेक भाषाएं नहीं हो सकती। किसी समय में भाषा का क्षेत्र धीरे धीरे विस्तार होता जाता है और बोली का सीमित कम। दूसरा सिद्धांत, एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले परस्पर एक दूसरे को समझ लेते हैं किंतु विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते। दूसरे शब्दों में इसे यूं कह सकेंगे कि किसी भाषा की विभिन्न बोलियां में परस्पर बोधगम्यता रहती है किंतु विभिन्न भाषाओं में नहीं। उदाहरण के लिए, खड़ी बोली में जाता हूँ बोलने वाला ब्रज भाषा का जात हूँ अनायास समझ लेगा किंतु अंग्रेजी का आयु नहीं समझ सकता। इसीलिए खड़ी बोली और ब्रजभाषा की हिंदी बोलियां हुई, पर हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं। तीसरा, भाषा का प्रयोग शिक्षा शासन साहित्य रचना आदि के लिए होता है किंतु बोली का दैनिक व्यवहार के लिए। शिक्षा शासन साहित्य बोली के अंतर्गत में
कभी नहीं हो सकता है। यह स्थिति स्थूल जिससे एक राज्य है, अन्यथा प्रतिभा के धनी कमी गोलियों में भी ऐसी उत्कृष्ट घटनाएं उपस्थित कर देते हैं जो विस्मयजनक बन जाती है। उदाहरणार्थ मैथिली में रचे विद्यापति के पद या अवधि में रचित तुलसीदास का रामचरित मानस, ये दोनों रचनाएं बोलियों की होकर भी किसी सामाजिक किसी साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा की रचनाओं के समक्ष रखी जा सकती है। इस तरह का भाषा का क्षेत्र विस्तार हो सकता है। जैसा कि पहले कहा गया है कि भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं है, बोली ही अनुकूल परिस्थितियों पाकर भाषा बन जाती है। वैसे सदैव बोली ही रहती है। भाषा किसी देश की राजधानी के शिक्षित और उच्च वर्ग के लोगों की बोली हुआ करती है। किसी देश के जीवन में राजधानी का महत्व स्वयं सिद्ध है। राजधानी शासन का ही केंद्र नहीं होती, बल्कि शिक्षा, न्याय, वाणिज्य, आभिजाति और वैभव का भी केंद्र होती है। स्वभावतः वह समस्त देश के लिए अनुकरणीय बन जाती है। खान पान, रहन सहन में भी नहीं, भाषा में भी उसका अनुकरण होने लगता है। यह अनुकरण केवल अनुकरण की भावना से ही प्रेरित नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक आवश्यकताओं से भी नियोजित होता है। राजधानी से हर तरह का संपर्क रखना होता है और वह संपर्क वहाँ की भाषा में ही सुगमता से संभव है। इसीलिए राजधानी की भाषा दूर दूर तक फैल जाती है। तो बोली तोड़ने के लिए, बोली को कम करने के लिए और भाषा को विस्तार करने के लिए संपर्क जरूरी है। हालांकि संपर्क किसी भी कार्य में अत्यावश्यक काम देता है। यह बात कई बार सामने आई है कि भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति में होती है, फिर भी भाषा केवल व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, उसका संबंध समुदाय या समाज से ही है। भाषिक समुदाय की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार से आरंभ कर गांव, गांव से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश और राष्ट्र होते हुए हम उस महत्तम सामुदायिक इकाई पर पहुंचते हैं जिसे विश्व कहते हैं। ये सब मानव समाज की इकाइयां ही हैं, केवल उनकी सीमा का विस्तार होता गया। इनमें प्रत्येक स्तर पर भाषा का क्षेत्र भेद देखा जा सकता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की भाषा भिन्न होती, वैसे ही प्रत्येक भाषा की भी भाषा भिन्न होती है। इसका परिणाम आपस में बात करने के ढंग या दुलार के नामों से पाया जाता है। किसी परिवार में बच्चों के ललन या मनन आदि नाम रखे जाते हैं तो किसी परिवार में तुल्ली फुल्ली आदि। इसी प्रकार भाषिक समुदाय का भेद क्रमशः बढ़ता जाता है, जिससे आगे चलकर भाषा अबोध बन जाती है। संसार में जो प्रायः 3000 भाषाएं आज प्रभावित हो रही हैं, वह इसी भाषा भेद के कारण, अन्यथा सर्वत्र एक ही भाषा होती और भाषा भेद के कारण कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, इसका अवसर ही नहीं आता। तो उपर्युक्त विषयों के आधार पर भाषा और बोली की संबंध पारस्परिक संपर्क की सुलभता और अधिकता भाषा के निर्माण में बहुत सहायक
सिद्ध होती है और ये संपर्क की दुर्लभता और अल्पता से बोलियों का भेद बढ़ता है। इस संपर्क का साधक और बाधक अनेक कारण है। जहाँ साधक कारण है वहाँ भाषा आसानी से होता है और जहाँ बाधक कारण है वहाँ स्थानीय बोली जमी रहती है। बोली को भाषा में परिणत करने का सबसे बड़ा साधन है संपर्क। किसी भी कार्य में संपर्क जरूरी है, जिसके कारण भाषा का भेद ही नहीं मिटता, उसकी शुद्धता की दूर होती है। रुक्षता की दूर होने की परिमार्जन कहते हैं, जिसका कुछ निम्नलिखित कारण संपर्क के सहायक हैं। कुछ कारण इस प्रकार है। पहला, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण से बोली की क्षति कम होती है और भाषा का विस्तार जैसे पर्वत, बड़ी नदियां या विस्तृत जंगल, दुर्गम मरुभूमि या आदि भाषिक समुदाय के संपर्क में प्राकृतिक अवरोधक हैं। समतल मैदान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना जितना सुलभ है उतना ऊंची पर्वतों को पार कर नहीं। आज बड़ी नदियों को पार करना जितना आसान हो गया है उतना पहले नहीं था। न आज जैसे पुलों की सुविधा थी और न स्टीमरों की इसी तरह। सघन विस्तृत जंगलों को भी पार करना न आसान था, न खतरे से खाली। इसीलिए जहाँ ये अभूतक उपस्थित हुआ वहाँ भाषिक समुदाय का बाहर से संपर्क उपस्थित नहीं हो सका और वह समुदाय अपनी बोली की सीमा में घिरा रहा। वहाँ बोली ही बनी रही। पहाड़ों और भाषा में बसी जातियों का आदिवासियों की भाषाएं अपने घेरे से बाहर नहीं निकल सकी और न दूसरों को प्रभावित हो सकी। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी दूर तक पर ही इतना भाषा भेद दिखाई पड़ता है कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा नहीं समझ सकता। इसके प्रतिकूल समतल मैदानों में हजारों मील तक भाषा बोधगम्य नहीं बनी रहती। जैसे जैसे प्राकृतिक अवरोध समाप्त होते जा रहे हैं वैसे वैसे भाषा का सीमा विस्तार होता जा रहा है। प्राचीन काल में प्राकृतिक अवरोधों की अधिकता के कारण आज की तुलना में बोलियों की संख्या अधिक थी, किंतु आज कम हो गई है और आगे चलकर उसके कम होने की भी संभावना है। तो भाषा और बोली में अंतर करने के लिए प्राकृतिक कारण में सहायक संपर्क सिद्ध होता है। सामाजिक संपर्क से भी बोलियों की सीमा बढ़ती और भाषाओं की बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि विवाह, खेल कूद, मेले आदि महत्वपूर्ण है। जब दो बोलियों की बोलने वाले के बीच विवाह संबंध स्थापित होता है तो उसका अनिवार्य प्रभाव उनके अधिक अभ्यास पर पड़ता है। यदि परिवार अशिक्षित हुआ तो धीरे धीरे अपनी बोली छोड़कर ससुराल की बोली अपना लेती है और यदि परिवार शिक्षित हुआ तो वहाँ परिनिश्चित भाषा का प्रयोग आरंभ हो जाता है। यह स्थिति बहुत सारे परिवारों में देखने को मिलती है। पहले जब यातायात के साधन आज की तरह समुन्नत नहीं थे तो लोग बहुत दूर तक विवाह करने से परहेज रहते थे, कारण कि आने जाने में बहुत असुविधा थी।
समाज के साधनों के समुन्नत से हो जाने की दूरी की बाधा समाप्त हो गई है और विभिन्न भाषा समुदायों भाषिक समुदायों में संबंध हो जाया करते हैं।